नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश टेक्निकल शिवा डीजे हाउस से स्वागत करता हूं आपका। आज के इस वीडियो में हमारे पास आया है न्यूमार्क कंपनी से M6 मॉडल। ये एक चार चैनल का काफ़ी अच्छा मिक्सर आता है, ये डीजे मिक्सर होता है। इस मिक्सर की काफ़ी डिमांड थी कि काफ़ी दिनों से आ रहे थे मैसेज कि M6 वीडियो के मिक्सर बना के डालिए, एक बार M6 के बना के डालिए। तो आज हम आपके लिए M6 मिक्सर लेके आए हैं। इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे और इसकी फंक्शन वगैरह कैसे क्या है सारी डिटेल में जानकारी देंगे। यह एक चार चैनल का मिक्सर होता है। इस मिक्सर में फोर चैनल आप देख पा रहे होंगे, चैनल 1, चैनल 2, 3, 4 करके फोर चैनल का मिक्सर होता है। और चैनल 5 इसमें मास्टर का वॉल्यूम के लिए होता है। इसके ऊपर ये बूथ होता है, तो ये दो आउटपुट के कंट्रोल होते हैं, मास्टर और बूथ। और ये बैलेंस के लिए होता है, लेफ्ट राइट चैनल का बैलेंस के लिए काम आता है। अब इसका डिटेल में एक एक स्विच के बारे में जानकारी देते हैं आपको। यह फर्स्ट नंबर पर जो देख रहे हैं ये माइक के लिए होता है। ये पूरा माइक का टोन गेन हो गया, ट्रेबल बेस सारा माइक के लिए होता है। ये नीचे माइक का ऑन ऑफ होता है। ये चैनल 1, इसमें गेन, ट्रेबल, मिड और बेस। ये ट्रेबल, मिड, बेस और ये गेन, और ये इसका मास्टर वॉल्यूम चैनल है का। इसी तरह सभी में अलग अलग चार चैनल के लिए चार चार का कंट्रोल दे रखे हैं। और मास्टर से आवाज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। ये लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर है, LED का इंडिकेटर दिया हुआ होता है। यह इसके नीचे जो है क्रॉसफेडर स्विच दिया हुआ होता है। इसके ये दो टोन होते हैं सेलेक्टर, चैनल 1 से 4 तक कोई भी चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मेन यूज होता है डबल प्लेयर, एक साथ यूज करते हैं ना, दो प्लेयर यूज करते हैं, तो प्लेयर कौन से वॉल्यूम पे अपन को प्लेयर 1 को यूज करना है और इधर कौन से चैनल पे प्लेयर 2 को यूज करना है, उसके लिए इस पे सेट कर लेते हैं। एक बार मानते हैं अपन, जैसे चैनल 1 पे अपन ने एक CD प्लेयर यूज कर रखा है और चैनल 2 पे दूसरा CD प्लेयर, या कोई भी अपने जो पाइनियर का पिच वगैरह प्ले कर रखा है, तो उस पे सेलेक्ट करके इसको रखना पड़ता है। वो स्विच गेन करते उस दर का आवाज़ आएगा, लेफ्ट राइट का, और इधर का स्विच उठाते ही उसका आवाज़ आएगा। और कोई काम में नहीं ले रहे हैं जब इसका अपन ऑफ पे रख के इसको पोजीशन पे रखते हैं। इसी प्रकार इसके पीछे की डिटेल अपन देखते हैं, जानकारी ऐसा इसका पीछे से ओवरऑल व्यू होता है। आप देख पा रहे होंगे ये सर का ऑन ऑफ स्विच होता है, पावर लिखा हुआ होता है इस पर। कंप्यूटर टाइप का सॉकेट दिया हुआ होता है इसमें। ये नीचे फ्यूज का इसमें होता है, कभी स्पार्किंग करे या फ्यूज वगैरह बंद हो जाए, लाइट नहीं आए मिक्सर में, तो यहाँ से इसको ओपन करके फ्यूज चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल मिक्सर की पहचान होती है इसमें, मेड इन ताइवान लिखा हुआ आएगा। और जो कॉपी मिक्सर आएगा उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ आएगा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है, बाकी साउंड क्वालिटी और फिनिशिंग वगैरह तो अलग बात है ही। सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो M6 मिक्सर आएगा उस पर मेड इन ताइवान पे इसकी असेंबलिंग आती है, और जो लोकल मिक्सर आता है उस पर मेड इन चाइना असेंबलिंग आती है। ये चैनल 3 पे इसका USB पिन होता है, जिसे लैपटॉप से अपन डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये प्रिंटर टाइप का केबल साथ में आता है मिक्सर के, उससे एक USB से चैनल 3 पे, ये जो चैनल 3 दिया हुआ है इस पर डायरेक्ट लैपटॉप प्ले हो जाता है, लैपटॉप की आवाज़ इसमें आ जाती है। ये बैलेंस आउटपुट दो मास्टर स्विच के साथ काम करते हैं। जो मिक्सर का ये मास्टर वॉल्यूम है ये वाला, इसके साथ इसका आउटपुट या पीछे से इन दो पिन से ले सकते हैं। ये मास्टर के दो हो गए, तो मास्टर के 4 पिन मास्टर के हो गए। ये दो आउटपुट बूथ के लिए हो गए। ये बूथ का ये वाला टोन इधर आप देख पा रहे होंगे, ये बूथ। तो बूथ को मोस्टली सभी लोग बेस चलाने के लिए काम में लेते हैं, और मास्टर को टॉप के स्पीकर चलाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसको मिड के लिए और इसको बेस के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसमें अधिकतर लोगों का सवाल होता है कि सर फोन में लाइन इन देना है या लाइन में इन देना है। तो जो भी अपना लैपटॉप का पिन होता है वो हमेशा लाइन में ही इनपुट करना पड़ता है, लेफ्ट राइट। ये चैनल 1 का, ये चैनल 2 का, ये चैनल 3 का, ये चैनल 4 का, ऐसे दिया हुआ होता है। ये चैनल 3 4 का पास पास में बनाया हुआ है। और ये चैनल 2 का आप देख पा रहे होंगे, फोन एंड लाइन, तो फोन में यूज नहीं होता है, हमेशा लाइन में ही लेफ्ट राइट यूज करना पड़ता है। ये इसका ग्राउंड के लिए टर्मिनल दिया हुआ है, यहाँ से ग्राउंड करके काफ़ी ज़्यादा सेटअप लगा हुआ हो तो शॉर्ट सर्किट से मिक्सर को बचाने के लिए ग्राउंड किया जाता है,
तो ये ग्राउंड करके जमीन में ग्राउंड बनाया होता है सेटअप लाइन में, जब इसको ग्राउंड का यूज आता है। ये माइक के लिए इनपुट होता है ये वाला। अब आपकी सुविधा के लिए हमने मिक्सर को ओपन कर लिया है। अंदर से कैसा क्या होता है ये सब जानकारी के लिए आप देख पा रहे होंगे अंदर से कैसा है मिक्सर। ओरिजिनल मिक्सर को देखने के लिए अंदर से M6 न्यूमार्क ओरिजिनल मिक्सर ऐसा होता है। यह है M6 न्यूमार्क ओरिजिनल मिक्सर। ये अंदर से ऐसा कुछ होता है सारा। ओरिजिनल मिक्सर की पहचान के लिए आपको सहयोग मिले देख पाए कि अंदर से कैसा होता है, तो अंदर से ऐसा होता है न्यूमार्क M6। तो ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल सेवा डीजे हाउस पे, और फॉलो करते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।